यहाँ पर घास काटने के भी कुछ नियम होते हैं। मैं दिखे लिया तुम्हें सच्चे भाई यार, ये बंद कर दे। हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों अभी मैंने एक डिसीजन लिया है कि अभी से जो है वो 5-6 जो हैं वो डेली लाइफ ब्लॉग आएंगे, तो उसमें से आपका रिटेंशन देखेंगे कि आप लोगों को कितना मतलब पसंद है डेली लाइफ ब्लॉगिंग। क्योंकि मैं जब भी पोल डालता हूँ तो आप में से सबसे ज़्यादा लोग डेली लाइफ ब्लॉगिंग पर ही क्लिक करते हैं, तो सोचा कि अभी एक हफ्ता भर डेली लाइफ ब्लॉगिंग करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो बन रही है आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के मौसम आप देख ही सकते हैं, सामने धुंध पड़ी है और अभी ठंडी जो है वो स्टार्ट हो ही गई है। अभी सूरज आप सामने देख सकते हैं बादलों के बीच छुपा हुआ है, और यार आपको जो है वो फ्रेम थोड़ी छोटी नज़र आ रही होगी, तो इसका रीज़न यह है कि जो मेरा ट्राइपॉड है वो मतलब कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। जो मेरी पुराने वाली सेल्फी स्टिक थी उससे मैंने ब्लॉगिंग करने की स्टार्ट करा, तो जब मैंने उसमें फ़ोन लगाया और ऐसे मतलब अभी बोलने वाला था और फ़ोन नीचे गिर गया, तो यार मतलब ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं मेरे साथ। बट फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है, तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर अभी हमें घास को जाना है, तो चलिए फिर चलते हैं। तो ये है मेरी कुल्फी, ये आप देख सकते हैं, अभी इसे बाहर निकालते हैं और टेस्ट करके देखता हूँ कैसी बनी है। तो दोस्तों ये है मेरी कुल्फी, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है और दूध की है। रात को मुझे मम्मी ने दूध दिया था और मैंने वो पिए नहीं था, इसलिए कुल्फी जमा ली। तो अभी टेस्ट कर लेता हूँ फिर देखता हूँ कैसी है। टेस्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से धुआं निकल रहा है कुल्फी से। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, और जंगल भरा रास्ता है, तो मैं जा रहा हूँ अभी घास के लिए। और जो हमारी ड्राटी होती है जिससे कि हम घास काटते हैं हमारे यहाँ, तो वो मम्मी मेरे ले गए हैं पहले ही, और अभी मैं लेट हो गया हूँ घास में जाने के लिए, तो हो सकता है कि मुझे गालियाँ भी पड़ सकती हैं। और आप रास्ता देख रहे हैं, रास्ता किस तरीके का है यहाँ पर, तो अभी हमें ऊपर जाना है क्योंकि हमारा जो घास होता है वो पहाड़ियों पर होता है। यहाँ पर बेसिकली पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों पर जो आप मेरे घर के सामने जो आपको पहाड़ दिखते हैं वहाँ पर घास होती है, जिसे कि सैलडू भी बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो चलिए अभी आगे से दिखाते हैं आपको किस तरह का व्यू है। तो दोस्तों अभी ये आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पर है हमारे, जो इन्हें ऐसे कुट बोला जाता है, ऐसे आप पहाड़ी भी बोल सकते हैं बट हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कुट बोला जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है मम्मी जी, कितने पुल्ले बढ़ते हैं। लेट हो गया मैं, कपड़े लगे, कपड़े धोने लगा था मेरे धोते नहीं। हाँ नहीं कल ही चले थे, पक्का मार खानी है मुझे ते। तो ये आप देख सकते हैं कुछ, ये तो यार चला रहता है रोज का ही ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू है, और बहुत ही औसम व्यू है यार, घास काटने का भी मजा आता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है यार, व्यू तो बहुत ही अल्टीमेट है यहाँ से। और वो है सामने रोटी खड, और वहाँ को रास्ता रहता है वो मंदिर के लिए, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, यहाँ पे कुछ था यार। तो दोस्तों अभी मैदान में आ गए हैं, तो काम भी स्टार्ट कर ही देते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है घास हमारी, जिसे कि हमारे पशु खाते हैं यहाँ पर, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की घास होती है, तो इसे सैलडू बोल जाता है, जैसे चरी वगैरह वो किसानों की बातें हैं। आप रहने दो, अभी घास मैं काटूंगा। दोस्तों अभी आपने मेरी स्पीड तो देख ली घास काटने की, अभी मम्मी के देखना, मम्मी दिखा दो
काटो। देखो ये वीडियो जरा भी स्पीड नहीं है, बिल्कुल रियल स्पीड है। और मम्मी कितने साल का एक्सपीरियंस आपको घास काटने का? 25 साल। आप मान ही सकते, देख ही सकते हैं आप किस स्पीड से मम्मी घास काट रहे हैं। और 25 साल कम नहीं होते हैं यार। यही है गांव की लाइफ, मज़ा आता है इसमें। बहुत अच्छा व्यू है यार यहाँ का। और सामने आप देख सकते हैं बड़े जंगल है बहुत सारा का सारा, और वहाँ पर घर भी हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ से हमारा गांव इस पहाड़ी के पार है, तो यहाँ से तो नहीं दिखेगा, उस पहाड़ी से बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो अभी हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो दोस्तों अभी आप देख ही सकते हैं धूप से मेरी क्या हालत हो गई है, और बाल भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो कल इन्हें कटवाने भी जाना है। और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर व्यू के नज़ारे लेता हुआ, और थक गया हूँ यार काफ़ी ज़्यादा। तो आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि यार पहाड़ी में ब्लॉग बनाएगा, तो आपको थोड़ी सी पहाड़ी सुनाते हैं। इतना अच्छा व्यू है यार, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, छाया है। 2 hours later। तो मम्मी बस मैं चल पौंदा घर आना। घर जाना अली फुगा बड़ डोल। तो बड्डी तो बैठा 5-6 बुल्ले बड़ी ते मैं। नहीं ना क्या होना, तू चला हो रही तू डोल। नहीं बस मैं चल पे। ड्राटी मैं पकड़ी हुई पर मैं चल पे। बड़ ना का। बस ना मम्मी 6 बुल्ले बड़ी ते मैं। जट बड अस। मुझे नहीं पता 6 बुल्ले बड़ते मैं। नहीं 6 नहीं तू 6 और बड। बाम बस ता फिर तो मैं। मैं गलाई था तीजे सुबह डिनर आई पाजी बाबा मैं क्या कर। बस 6 बुल्ले बड़ते मैं बड़े भाई। 6 बुल्ले बड़ते ये लो आपकी जूती है ना। मैं जो बता मम्मी मैं चल पे घर। तो मैं दिखे लिया मुझे सच्चे भाई आ रही है बंद कर दे। तो मेरे भाई बनाता रहा पर मुझे क्या मम्मी 6 बुल्ले बढ़ते बड़े बार ने बड़ा भारी मुझे नहीं पता। मैं जाट कैमरे पकड़ देता ना खड़ो जांदा बस बस ठीक है गया मैं घर। यो मैं घर आई ना थी चला रे मल्ले जोड़ लिए इस जोड़ लिए कने पानी की बोतल। 6 बुल्ले बढ़ते मैं बड़े बार ने। 6 बुल्ले ने क्या हुंदा होया के जो 6 बुल्ले के दो महीने ना हाल चार दो हां खा लेने थे ना। तू बड़ी लेता मैं कल भी आगा 5 बजे ले आऊं ना। वो सामने देख सकते हैं आप, वो आप हमारा घर दिख रहा है सामने, और 2-3 घर और भी दिख रहे हैं। तो चला अब मैं घर। नहीं क्या मम्मी क्या मम्मी मुझे नहीं पता। ले ये दो ही बोल लिया ना करना चला जा ठीक है। शर्मा भी लग गई ठीक है। नहीं जब मुझे गुस्सा मत आ कर रंसू उठ ते मैं सच्चे खा लानी है मुझे ते मार मैं गलाई ता आंसू तुझो कने उठ गए ते फिर पूला पड़ना। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मम्मी बहुत गुस्से में है। इसे देखो मम्मी की तरफ देखो एक बार कितना पसीना पड़ा है। बट ना घर जाना है। हेलो हेलो बहुत काम आई है लड़का। थैंक यू थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों अभी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताते हैं। यहाँ पर घास काटने के भी कुछ नियम होते हैं। मम्मी आप बताओगे तो काफी अच्छा लगेगा लोगों को। बताना जरा यहाँ पर क्या क्या अंधविश्वास हैं घास काटने के। क्या जैसे दोस्तों जैसे मान लो अभी हम घास काटने आए हैं, अभी न्यू मतलब कि घर से आए ही हैं, और जैसे हम घास काटने लगेंगे तो हमें यही जो इसे बोलते हैं ड्राटी, यह हथियार होता है घास काटने का, तो इस पे हमें थूकना पड़ेगा फिर तभी हम घास काट सकते हैं। सच बोल रहा हूँ ना। हाँ मतलब कि इसे इसकी जो धार होती है उसको तेज करते हैं तो थूक लगाना पड़ता है। और हम ये जैसे यहाँ पर ड्राटी रखी हुई है तो हम इसको टाप नहीं सकते हैं। नहीं तो मम्मी को तो ऐसे मतलब कि इसे अगर हम टापेंगे तो ऐसा मान जाते कि हमारा जो हाथ है वो कट सकता है। और एक और है कि हम इससे ड्राटी की तारीफ नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम ये नहीं जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यार ये तो कितना इससे कितना अच्छा घास काटा जा रहा है ये बहुत अच्छी है। तो और भी बहुत कुछ है यार, अभी मेरे को तो इतना ही याद आ रहा है। राती बनाई लिया ना। अच्छा राती नहीं गई क्या मतलब गाय बढ़। अच्छा तो मम्मी बोल रहे हैं कि शाम को वीडियो बना लेना, अभी घास काट ले।
तो घास चलो यार काट ही लेते हैं, क्यों मार खानी ऐसे ही। दोस्तों मैंने अभी घास यहाँ पर रख दिया है, ये आप देख सकते हैं ये है नाला, और यहाँ पर धूप ज़्यादा है घर के मुकाबले, तो इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। तो अभी चलते हैं घर और मम्मी आ रहे पीछे। तो दोस्तों अभी घास काट के मैं आ गया हूँ घर और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं, हाय कर दो हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं खड में, खड आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि खड होती छोटी नदी जहाँ पर कि हम नहाने जाते हैं, तो चलिए अभी चलते हैं खड। ठीक है मम्मी बाय। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर खड में, और ये आप देख सकते हैं ये है हमारी तालाब आप इसे बोल सकते हैं, और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे आड़ बोला जाता है। नहाने की जगह आप देख सकते हैं ये आगे से गहरी है और यहाँ पर काफ़ी लंबी है ये। तो अभी मैं तो नहा लिया हूँ और यहाँ पर और लोग नहा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर एंजॉय करके चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है और शाम के लगभग टाइम हो रहा है 5 बजे, 5:04, और हम आ गए हैं अपनी ड्यूटी पर। तो अभी शाम को भी आते हैं हम घास को, और सुबह भी आना पड़ता है, तो चलिए अभी घास काट लेते हैं फिर। रात हो गई है और हम डिनर करके अभी अपने बेड पे आ गए हैं, तो डिनर की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज यार उस टाइम लाइट चली गई थी हमारे घर में, अभी भी जा रही है आ रही है ऐसा चक्कर जो वो चला रहता है। तो आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और अगर ऐसे ही डेली लाइफ व्लॉगिंग देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में जरूर बता देना, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।